आज रात में काफी वर्षा तेज आने का वजह और इसमें जो हमारा जो नेशनल हाईवे का उसमें एक कालवात बनाने ब्रिज बनाने का उसमें कुछ पोर्शन जो है वाल जो है उसमें काम करते समय में टूट गया था, तो उसी में से पानी काफ़ी पानी घुस गया और यहाँ का जो टाउन से जो ड्रेन है वो पानी मिला के यहाँ जो है चंद्रनगर का इस पार का कॉलोनी में पानी घुस गया और जो हमारे जो बहुत लोग भाई बहन लोग काफ़ी रात में तकलीफ मिला और उन लोग का पूरा घर में जो एकदम सांग का ऊपर तक पानी चढ़ गया और कम से कम एक एक घर में 2 मीटर 3 मीटर पानी भर गया और तकलीफ तो काफ़ी सभी जो है घर में जो भी बैठने वाला माँ बहन जो है तकलीफ मिला है। तो इसी में किसी का फिर रोशन पानी तक का ये काफ़ी तकलीफ हुआ, तो इसलिए मैं इमरजेंसी में हमारा ओर से आपका 10 क्विंटल चावल और दाल 1 क्विंटल और मीठा तेल उन लोग को देने का कोशिश किया और सरकार का ओर से जो हमारा जो रिलीफ डिपार्टमेंट से जो भी मिलेगा वो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसका लिए थोड़ा से नियम नीति तो करना पड़ता है, वो भी शायद आज शाम में नहीं तो कल मिल जाएगा होगा। तो सरकार का ओर से भी कोशिश करेगा और मैं इमरजेंसी में उन लोग को खाने पीने का अरेंज किया और मेरा एक हमारा जो अपना जो ईटानगर नाहरलगुन का जो माता पिता भाई बहन सभी से अपील करेगा और इस समय में क्योंकि हम सभी ने एक जितना नाला है जितना छोटा छोटा नदी है ईटानगर नाहरलगुन में और हम लोग क्योंकि दोनों साइड से उसको वाल बना के जमीन का ऑक्युपाइड करने में दोनों साइड से तेलते उसको एकदम चौथा कर देता है और ये जून जुलाई महीना में आप नेचुरल का तो आप सभी जानता है कि वो भी एकदम खुद को दिखाने का कोशिश करता है, तो उसी में वो पानी जो है वाल को तोड़ता है और ज़्यादा ओवरफ्लो होकर किसी का घर में घुसता है। इसीलिए मेरा एक दरख्वास्त है ईटानगर का जो वासी है जहाँ भी घर बनाएगा नदी का किनार में जो नाला का किनार में पानी को सफिशेंट जाने जगह देकर उसको घर बनाना चाहिए और एक है और इसी समय में नदी और पहाड़ का नीचे में नहीं बैठना है क्योंकि अभी लैंडस्लाइड होगा जहाँ तहाँ और पानी काफ़ी भरेगा, तो इसलिए जान मान का लॉस हो सकता है। इसलिए इस समय में इसी सिचुएशन में सबको अवेयरनेस होना चाहिए और सब अपना आप को थोड़ा केयर करने से ठीक होगा, ये मेरा सभी से दरख्वास्त है। और आज भी सुबह से यहाँ जो है हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिसर है काफ़ी लोग लगा हुआ है, एडीसी साहब है हमारा रिलीफ का इंचार्ज है, अभी उन जो भी सरकार की ओर से जो भी होगा आज सामने तो कल तक वो असेसमेंट करेगा। लगभग कम से कम 90 घर का हम खुद भी जाकर वेरीफाई करके देखा है, 90 घर का बहुत काफ़ी हालत खराब है और इसको पूरा भरपाई नहीं करने से हम लोग सरकार की ओर से कोशिश जारी रहेंगे। थैंक यू सर। एडीसी साहब क्या तैयारी है सर, क्योंकि ईटानगर देखा गया कि काफ़ी नदी और नाला का ऊपर में घर बना हुआ है, लो लाइंग एरिया में है, लैंडस्लाइड वगैरह शुरू हो गया है ईटानगर में, इसके लिए पब्लिक का कॉन्शियस चाहिए। अभी हम एडमिनिस्ट्रेशन का सब से इम्पोज करने पर भी ये अच्छा नहीं होगा, पब्लिक को खुद जानना पड़ेगा कि कैसे बैठना है कहाँ। अभी जैसे एमएलए साहब बोला बताया है पानी को ज़्यादा छोटा बना देते हैं नाला को, नेचुरल वे में जाने देना है। जैसे हम इमेजिन करना है कि बारिश का होते समय लेंस प्लाट में होते समय में कितना पानी का वॉल्यूम जा सकता है, इतना अप्रोक्सीमेट हम लोग जगह रख देना है। जैसे कोई कोई जगह में होता है आदमी पहाड़ होता है पहाड़ का नीचे घर बना देता है, तो पहाड़ लैंडस्लाइड होने से घर का तो डब जाएगा, लैंडस्लाइड से डब जाएगा, और या तो पहाड़ के ऊपर में बना देता है नीचे से लैंडस्लाइड होकर घर गिर जाता है आदमी रात के अंदर में मर जाता है। ये अपना आदमी लोग का ही खुद का कॉन्शियसनेस होना पड़ेगा,
यहाँ कोई किसी का इम्पोजिशन से नहीं होगा, इम्पोज करने से आदमी उल्टा मिसअंडरस्टैंड होगा, करप पाएगा, ऑफिसर लोग ठीक नहीं, नेता लोग ठीक नहीं, वो लोग ठीक नहीं, उल्टा पुल्टा बोलेगा अपना से, इसलिए ये समझना होगा तब जाके ये होगा। क्योंकि ईटानगर ऐसे भी जगह स्टेबल नहीं है, बहुत जगह कोई कोई जगह तो है ठीक, लेकिन कोई कोई जगह में स्टेबल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ बैठने वाला लोग को खुद अलर्ट होना पड़ेगा, खुद को जानना पड़ेगा, खुद अवेयरनेस खुद को होना पड़ेगा। एडीसी साहब, देखा गया कि कोई कोई लोग जो घर में रहने लायक भी नहीं है, क्या कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन कोई रिलीफ कैंप चलाएगा? अभी जरूरी पड़ने पर तो चलाना ही पड़ेगा। अगर हम लोग आगे में भी बहुत जगह नोटिफाइड कर चुका था ऐसा बारिश का समय में, स्कूल का कोई कोई बहुत जगह का नोटिफाइड कर दिया था, जैसे कोई कम्युनिटी हॉल है, कोई स्कूल है, ऐसा जो एक्सेसिबल और जहाँ सेफ्टी है, जहाँ कुछ टॉयलेट फैसिलिटी है, जहाँ पानी का फैसिलिटी है, ऐसे जगह में हुआ था, हम लोग नोटिफाई किया था। अभी भी है ऐसे जगह, लेकिन अभी जब जरूरी पड़े तो हम लोग नोटिफाई कर देंगे। ये अभी इमीडिएटली ये लोगों को कुछ जरूरत पड़ेगा सर, क्योंकि ये लोग का घर का सारा संपत्ति, सारा सामान, खाने पीने का सब सामान डैमेज हो गया है। अभी इसलिए इन लोग का इमीडिएट के लिए खाने पीने का वही है, फर्स्ट खाने पीने में ही है, खाने पीने वाला सामग्री अभी जैसे ऑनरेबल MLA दिया ही हैं, इसी तरह हम लोग का रिलीफ का तरफ से भी इमीडिएट देखना पड़ेगा। हम लोग का ये DDM साहब भी हैं, हम लोग मिल के थोड़ा डिस्कस कर लेंगे क्या करना है, एक डिसीजन ले लेंगे। थैंक यू सर। ओके।